तीन साल से आगे समय को ध्यान में रखते हुए अभी नई नीति हम बना रहे हैं कि दो साल का भी डिप्लोमा हो, तीन साल का भी हो, दो साल का भी हो। अभी यूजीसी पहल कर रही है, खुद जगदीश कुमार जी पहल कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी एक आइडिया लेके आई है अपने कोर्स में, जैसे हमने कॉलेज स्कूल में कोर्स में ही स्किलिंग कर रहे हैं 6 से आगे 12 तक, यूनिवर्सिटी भी स्किलिंग को अपने कोर्स में कन्वर्ट कर रहा है। अप्लाइड एक इलाका में रोजगार जिसमें आएगा, ऐसे इलाका में स्किल को भी कोर्स में कन्वर्ट किया जाए। और इस बार तो दिल्ली यूनिवर्सिटी 100 कॉलेज में अपना स्किल सेंटर चलाने वाला है, ऐसा एक एमओयू दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया है। अभी राजीव चंद्रशेखर जी यहां मेरे मित्र उपस्थित हैं, उन्होंने नाइलेट को आदेश दिया है। नाइलेट आईटी सेक्टर की विभिन्न कामों की जबरल को मैप करते हुए, फ्यूचर ऑफ द वर्क को मैप करते हुए अपने बच्चों के लिए नया कोर्स लेके आ रहा है। इस बार जब G20 की मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद नेतृत्व लिया कि विश्व के कामों की एक लिस्ट बने, स्टैंडर्डाइजेशन डेवलप किया जाए, स्टैंडर्डाइज किया जाए, स्टैंडर्ड डेवलप किया जाए, उसकी मैप किया जाए कहां से क्या मिल रहा है। पहले हम लोग मेड इन जापान की चीज खरीदते थे, फिर चाइना आया, अभी तो मेड इन इंडिया की टाइम चल रहा है। ऐसे स्किल मैन पावर में हम दुनिया के लिए हम लोगों ने स्किल्ड मैन पावर G20 में भी प्रायोरिटाइज किया। अभी अभी हमने पिछले सप्ताह स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया, लगभग मेरे जानकारी में 4 करोड़ बच्चे नौजवान इसमें अपना नाम पंजीयन कर चुके हैं, रजिस्टर कर चुके हैं। मित्रों, स्किल को एस्पिरेशनल बनाना, स्किल को दुनिया की स्तर पे ले जाना, जैसे नासिक में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, कोई बताए नासिक में क्या मिलता है? क्या मिलता है? प्याज मिलता है ना। एप्पल कहां मिलता है हमारे देश में? कहां मिलता है? हिमाचल और J&K में मिलता है। सबसे स्वादिष्ट आम कहां से मिलता है? हर एक जिले में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, मालदा में मिलता है, कर्नाटक में मिलता है ना, मिलता है कर्नाटक में। ऐसे ही आने वाले दिनों में स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल में हमारी देश की उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर है जाएंगे स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल में। हमको इस प्रकार के लोग चाहिए, हमको एक कैटेगरी के लोग चाहिए स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल में, उनको इस प्रकार के लोग मिलेंगे, वो उनको उसमें से बुक करेंगे, उन्हीं में से उसकी सर्टिफिकेट ट्रांसफर होगा, उसी में से उनको इंटरव्यू कॉल जाएगा घर बैठे बैठे। अच्छा, उतना नहीं रहेगा उसमें से, उसमें वीडियो आधारित, आज जैसे हमने अनेक किताब आज लोकार्पण किया, आने वाले दिनों में स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल में इन किताबों की वीडियो संस्करण रहेगा, ऑडियो संस्करण रहेगा, ग्राफिक बुक रहेगा, एनिमेटेड बुक रहेगा। मैं तो खुद 4 प्रकार के नया स्किल फेसबुक में देखता हूं, YouTube में देखता हूं, आप लोग भी देखते होंगे। इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट जाने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, स्किल की दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलना पड़ेगा, इसीलिए यह कन्वोकेशन उसकी एक हिस्सा है। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।